लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई को है। इस फेज में 5 लोकसभा क्षेत्र दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होगी। इससे पहले पटना में इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी पर सफाई दी, वहीं महागठबंधन के पीएम फेस को लेकर भी अपनी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने देश में सीबीआई और ईडी के एक्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सताने की कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईडी सीबीआई के द्वारा सताने के लिए जो कार्रवाई हुई है, सरकार बनने पर ऐसी कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा जो कानून सम्मत होगा, इस पर कानून फैसला लेगा। सेम पित्रोदा के बयान पर खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, जिसके बाद बात खत्म हो गई। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब होने के बयान पर खड़गे ने कहा कि एनडीए का काम ही बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। खड़गे ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर कहा, जो आरक्षण दिया जा रहा है उसे लागू रखा जाएगा, बाकी बातों पर सरकार बनने पर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही खड़गे ने आगे कहा कि सरकार बनने पर कौन पीएम बनेगा, मिलकर फैसला लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, एनडीए 5 किलो देकर बता रही है कि बड़ा काम कर रहा है, लेकिन हम लोग 35 किलो देते हैं। देश में मोदी की गारंटी जैसे शब्द का कोई असर नहीं। बता दें कि इस प्रेस वार्ता में मीरा कुमार, दीपांकर, आरजेडी से मनोज झा, कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह मौजूद रहे। खड़गे ने आगे कहा, 3 चरणों में 285 सीटों पर चुनाव हुआ। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। तेलंगाना में मेरी और पीएम मोदी की जनसभा थी। पीएम मोदी की सभा में जैसे लोग जुटे, कई इशारे करते हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिली, पीएम मोदी कोई बड़े कार्य किए तो वो बताएं। महिलाओं के लिए देश में परेशानी बड़ी है, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है, बीजेपी देश की जनता को बांटना चाहती है, मुसलमानों के बीच डर फैलाया जा रहा है, मोदी अलग अलग तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। इसी प्रेस वार्ता में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, बिहार से मजबूत संदेश मिल रहा है और नौकरी का मतलब तेजस्वी, सब लोग समझ गए हैं, लोग अब नौकरी देख रहे हैं, भैंस नहीं देख रहे, संविधान खत्म कर देंगे, ये बात हर गांव तक पहुंच गई है, पीएम इतने झूठ बोल रहे हैं कि मशीन भी खराब हो जाएगी। 4 जून के बाद देश में अलग तस्वीर दिखाई पड़ेगी।